आज अभी बहुत कम बच्चे आए, अभी सुबह तो ज्यादा थे। हाँ किसी को कोई जानकारी, अभी और आएंगे या फिर नहीं आएंगे? चलो 2 मिनट और देखते हैं, फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, है ना? स्विच केस तक हो गया था, उसी के आगे से कंटिन्यू होगा। यहाँ पे नीड आती है लूप्स की। अभी तक मेरे ख्याल से हम लोगों ने थोड़े बहुत प्रोग्राम बना लिए हैं, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको अपना नाम प्रिंट कराना है, वो भी 100 टाइम्स, है ना, तो आप क्या करोगे? कुछ इसी तरह का प्रिंट करोगे जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया है। तो जैसे कि अगर मुझे अपना नाम प्रिंट कराना हो, तो मैं यही नहीं, बार बार इसको प्रिंट करता था,
एक दो तीन, इस तरह से नंबर ऑफ टाइम जितने भी आपसे बोला जाएगा एन नंबर ऑफ टाइम आप इस तरह से प्रिंट करोगे, क्योंकि अभी हम लोगों से लूप बताया नहीं है। तो इस तरह से प्रिंट करने के बाद अब आप ध्यान से देखें तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है और स्पेस ज्यादा हो रहा है, और काम क्या हो रहा है, केवल एक लाइन, सेम लाइन का रिपीटेशन 10 टाइम्स परफॉर्म हो रहा है। जब भी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही काम एक से ज्यादा बार करना होता है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के काम के लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालते हैं जिसको, या फिर निकल आया है कि लूप। तो रिक्वायरमेंट क्या हुई हमारी, नीड क्या हो गई, इस तरह का काम जिसमें हमारा हेक्टिक हो रहा है। अभी तो हमने यहाँ पे 10 टाइम्स अगर काउंटिंग कर लोगे तो यहाँ से देखो कितना है, 3 to 5 और 3 to 5 10 टाइम्स दिख रहा है। अगर आपसे 100 टाइम्स कह दें या फिर 1000 टाइम्स कह दें तो ये काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और टीडियस हो जाएगा, यानी कि आप बोर हो रहे हो, एक ही काम रिपीटेशन कॉपी पेस्ट कॉपी बढ़ाते जा रहे हो जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये पूरा काम एक लाइन में फिनिश किया सकता, एक से दो लाइनों में आपका काम कंप्लीट हो सकता है, उसकी अपेक्षा हम कितनी नंबर ऑफ लाइन्स लिख रहे हैं, 10 टाइम्स, जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए लूप्स का यूज किया गया है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको, मैंने कर दी थी। मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, इस तरह का जो टीडियस काम होते हैं उनको रिमूव करने के लिए लूप्स का यूज किया गया है। तो अगर हम लूप्स की बात करते हैं तो सी के अंदर ज्यादातर दो तरह से लूप का बात की जाती है। एक बात तो कहा जाता है कि तीन लूप्स होते हैं, ऐसे फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप, पर अभी एक और हम कंटेंट दिखाएंगे जिसमें कहा जाएगा दो टाइप्स के लूप्स होते हैं। तो पहले हम और इससे पहले के समझेंगे लूप्स कर क्या रहा है। अ लूप इज यूज टू रिपीट, अब यहाँ पे हाईलाइटर है, रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, फिर से ध्यान से सुनेंगे, रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। जब तक आप ना चाहो तब तक वो लूप रन करता रहे, यानी कि जब तक आपने जो कंडीशन देंगे लूप के अंदर वो सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक ये लूप हमारा रन करता रहे। अगर तब तक हमारा लूप रन करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारे जैसे कि 10 टाइम्स था तो हमने कंडीशन क्या दी थी, 10 टाइम्स के लिए कोई कंडीशन प्रोवाइड कर दें कि जो 1 है लेस देन है 11 से, तो 11 से लेस देन होगा तो हमारा 10 टाइम्स तक एक्सिक्यूट करेगा। तो एक्सिक्यूट करने के केस में तो जो भी हम उसमें प्रिंट करा रहे होंगे एग्जीक्यूशन में, वो हमारा एज इट इज एग्जीक्यूशन के बेस पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लूप तीन तरह के हैं, तो सेम यही काम करने के लिए तीन पैटर्न बताए गए हैं, एक फॉर है, दूसरा वाइल है, दूसरा डू वाइल लूप है। किसी को अगर हम देखें तो दो टाइप से भी लूप कहा जाता है, एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। वैसे तो मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, जब हम इन लूपों को एग्जैक्टली ठीक से खुद से अभी आगे पढ़ेंगे इसी के कुछ स्लाइड के अंदर ही हम जब समझेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बेटर समझ में आएगा एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप होता क्या है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप को अभी हम समझें क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ लूप द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड, अब यहां पे देखिए टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आएगा, कोई ना कोई हम लोग बॉडी बनाते हैं जो कर्ली ब्रैकेट ओपन से कर्ली ब्रैकेट क्लोज होती है, उस बॉडी से पहले हम लोग ज्यादातर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, वो कंडीशन पहले होगी टेस्टेड होगी उसके बाद कंडीशन आएगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा आगे जाके उसकी बॉडी एक्सिक्यूट कर रही होगी, रन करा रहेगी, अदरवाइज उसकी बॉडी रन ही नहीं कराएगी लूप की, अगर फॉल्स हुई तो कंडीशन। इस तरह के लूपों में दो लूप आते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, इसका रिवर्स ऑर्डर होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप इसका रिवर्स ऑर्डर होता है, यानी कि ये क्या कहता है कि आपकी कंडीशन तो बाद में टेस्टेड होगी, पहले एटलीस्ट 1 टाइम हम लूप को रन कराएंगे,
इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ लूप द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड और इवेलुएटेड एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, यानी कि लूप की बॉडी खत्म होने के बाद कंडीशन आती है। यहाँ पे कंडीशन को टॉप से हटा के बॉटम में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। आपने जो भी अभी ऐसे इफ पढ़ा था, तो इफ में हम लोग देखते थे कर्ली ब्रैकेट से पहले हम लोग कंडीशन दे रहे थे, इसमें क्या किया, उठा के कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे वाइंड अप किए गए हैं वहां पे कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर इस तरह का लूप है तो उसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, और इसकी श्रेणी में कौन सा लूप आता है, डू वाइल लूप। अब इन तीनों में एक एक चीजें और समझ लेंगे बहुत ध्यान से। फॉर लूप, जब हमें ये पता होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप रन करेगा, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स जब हमें पता होता है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। जब हमें ये नहीं पता होता है हमारा लूप कितने टाइम्स ऑफ एक्सिक्यूट करेगा, रन करेगा, तो हम वाइल लूप का यूज करते हैं। और इसमें तो क्लियर कट देखो मेंशन ही उन्होंने कर दिया, क्योंकि लास्ट में हमारा कंडीशन आती है, तो एटलीस्ट जब हमें लूप रन कराना है एक टाइम, तो वन टाइम तो हमारा लूप एक्सिक्यूट करे ही करे, रन करे ही करे, तो उस केस में हमारा डू वाइल लूप आता है। यहाँ पे देखो एटलीस्ट वन एक्सिक्यूट होता है, एटलीस्ट वन, एक बार तो रन करेगा ही करेगा लूप। तो अगर आपको हर कंडीशन पे एक बार लूप रन कराना ही है, तो फिर हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? तो हम आते हैं वन बाय वन तीनों लूपों पे, फॉर लूप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो फॉर लूप का क्या है, अब फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर विच अलाउ अस टू राइट अ लूप दैट इज एक्सिक्यूटेड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। फिर से बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, यानी कि आपको पहले से पता होता है कितने नंबर ऑफ टाइम लूप रन करेगा, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। द लूप इनेबल अस टू परफॉर्म अ एन नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर, ढेर सारे स्टेप एक साथ परफॉर्म कराने को दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। लूप का सिंटेक्स ये आ गया हमारे पास, इस सिंटेक्स को हम फिर से देखते हैं, यानी कि इस सिंटेक्स को हम दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो मैंने नीचे इसको कर दिया कंडीशन को। हाँ, एक चीज क्लियर बताओ, सारे बच्चों को ये पूरा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? यस हाँ ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही आपके आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले फॉर लूप में तीन चीजों को ध्यान रखना। पहली चीज, यहाँ पे मैं पेन से बनाते जा रहा हूँ, आपका फॉर लूप कीवर्ड है, ठीक है? पेन नहीं आया, ये फॉर लूप जो है वो कीवर्ड है, ठीक
दूसरी चीज, फॉर लूप में कंपलसरी ये सेमी कोलन है, और तीसरा अगर और ढूंढोगे तो ये एक और सेमी कोलन है। यानी कि अगर आपको फॉर लूप की रिक्वायरमेंट है तो फॉर लूप कुछ आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, कुछ इस तरह का FOR फॉर बनाओगे, ब्रैकेट आप लगाओगे और इसके अंदर एटलीस्ट दो सेमी कोलन होने चाहिए, ठीक है। अगर इतनी कंडीशंस आपके फॉर लूप में लिखी भी गई है, इसका मतलब आपका फॉर लूप सही है, ट्रू है, गड़बड़ नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, पहली चीज। अब इसके बाद हम वापस आते हैं। जैसे ही हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में इनिशियलाइजेशन किया जा रहा होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब हो गया कि आप क्या कुछ ऐसा करते हो, जैसे ए इज इक्वल टू 7 5, कुछ भी वैल्यूज आपने प्रोवाइड कर दी, तो आप क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज, इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज करोगे तो या इस पूरी चीज कंटेंट को हटा के किसको यूज करोगे, ए इज इक्वल टू 7 या फिर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद टेस्ट कंडीशन आती है। टेस्ट कंडीशन कुछ इस तरह का होता है, जो जिसको हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगी, ए हमारा 7 है तो जब तक ग्रेटर देन 1 से है, तो ए इज ग्रेटर देन 1 तो हमारा ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ए में हमने इनिशियलाइजेशन 7 से किया है, जब तक 1 से बड़ा है तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अब इस ए के अंदर जिस पे हम कंडीशन रन करा रहे हैं, सॉरी, इस ए के अंदर जिस पे हम कंडीशन को रन करा रहे हैं, इसके में अपडेशन किया जाएगा। अब इन सब में से सारी चीजें एक ही हैं, अपडेट स्टेटमेंट समझ लो या फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, डिक्रीमेंट की, यानी कि ए माइनस माइनस आप करोगे, माइनस माइनस यानी कि एक के अंदर एक का डिक्रीमेंट होना, पहले सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ए इज लेस देन 1, जब तक जो है हमारा 7 दिया गया है तो ए इंक्रीज करेगा 1 2 3 4 5, लेस देन 7, ठीक है। सॉरी, लेस देन 17 कर दिया, एक था 17 तक, जब तक पहुंचेगा तब तक आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, थोड़ा कुछ कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए प्लस प्लस, यहाँ का कहाँ गया, ए लेस देन 17, ठीक है। इतना क्लियर है, दिख रहा है, तीन चीजें हमारे पास आ गई। पहली चीज इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने वैल्यू, दूसरी चीज हमने एक कंडीशन दे दी। कंडीशन समटाइम्स हमारी लॉजिकली गलत हो सही हो सकती है, तो हमें ये ध्यान में देना पड़ेगा कि हम जो कंडीशन लिख रहे हैं क्या वो हमारी कंडीशन वैलिड है या फिर नहीं वैलिड है। इसके बाद अपडेशन कराना है, अपडेट यानी कि ज्यादातर अपडेशन इसी फॉर्मेट में होता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट के फॉर्मेट में होता है। तो हम इसमें तीन चीजें हमारी एक साथ मेंशन की जाएगी लूप के अंदर, यानी कि आप बॉडी स्टार्ट करो, बॉडी के अंदर मूव करने से पहले, इस बॉडी के अंदर मूव करने से पहले तीन चीजें आएंगी। इनिशियलाइजेशन का मतलब एक बार इनिशियलाइजेशन होगा, दोबारा यहाँ पे लूप का नहीं आएगा, यानी कि कंपाइलेशन जब भी स्टार्ट होगा तो 1 टाइम वो सिर्फ इतने को फॉलो करेगा, जैसे ही इसको इनिशियलाइज कर देगा वैल्यू को तो यहाँ से जंप करके आएगा यहाँ पे, यानी कि कंडीशन के पास। अगर आप लोग अपने पास कॉपी पेन लिए हुए हो तो इस तरह से समझ के बनाते जाना, जैसे मैं एरो बना रहा हूँ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के पास जाएगा, इनिशियलाइज करेगा जो भी वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यूज, इनिशियलाइजेशन के बाद जंप करके आएगा एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन के पास, कंडीशन को चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स।
अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर बॉडी में मूव करेगा और जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे उनको एक्सक्यूट कराएगा, रन कराएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर यहीं से वो एग्जिट मार के बाहर आ जाएगा। ठीक, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर क्या करेगा, रन कराने के बाद जब बॉडी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ से एरो निकल के आएगा और फिर से इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी परफॉर्म किया गया होगा वेरिएबल के ऊपर वो परफॉर्म किया जा रहा होगा। ठीक, अगर जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद फिर इस यहाँ से एरो निकल के आएगा फिर से हमारी इस कंडीशन के ऊपर, फिर से टेस्ट किया जाएगा कि ए की वैल्यू इंक्रीज कर दी गई, अब क्या कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो ये वाला जो साइकिल अभी हमने ये बनाया है ये लगातार एज इट इज फिर से यहाँ पे बॉडी में आएगा, बॉडी पे लूप पे आएगा, लूप से फिर से ऐसे मूव करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जाएगा और फिर कंडीशन को टेस्ट करेगा। ये तब तक टेस्ट करता रहेगा जब तक कि ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन वैसे ही वापस एग्जिट लूप बाहर हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेट होके। क्लियर है इतना, समझ में आया होगा। तो ये वाली आपका जो है सिंटेक्स लिखा है, सबसे पहला इनिशियलाइजेशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन है, उसके बाद अपडेशन यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और स्टेटमेंट है। दो चीज मैंने वहां पे बताई है वही चीजें फिर यहाँ पे मेंशन की जा रही है। तो मैं इसको हटा के नेक्स्ट आता हूँ इस लूप के ऊपर यानी कि इस कंडीशन के ऊपर। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और आपको रन करा के दिखाते हैं। इसमें बता देते हैं आई को एक वेरिएबल लिया गया है, आई के अंदर इंक्रीमेंट है एक का यानी कि एक हमने इनिशियलाइज कर दिया गया है आई के अंदर। इसके बाद जो कंडीशन दी गई है वो आई लेस देन 11 है, जब तक कि वो छोटा है आई तब तक रहेगा, जैसे ही बड़ा हो जाएगा या इक्विवेलेंट हो जाएगा तो फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर प्लस प्लस आई, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आया, फिर लूप ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये इंटरनल गया, इंटरनल में अब इस ट्रू हुई तो कंडीशन उसने आई को प्रिंट किया, तो आई अभी क्या है आई के अंदर 1, तो फिर ये प्रिंट कर देगा 1, फिर ये ऊपर जाएगा और इसमें इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा और फिर इसी तरह से चलता रहेगा जब तक कि हमारी ये जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो इसको अगर आप रन कराओगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा जो 1 से 10 तक की काउंटिंग डिस्प्ले कर रहा होगा। समझ में आया? रुक रहा हूं, पहले आप लोग इसको देख लो, समझ लो अच्छे से, फिर अपने क्वेरीज कर लो अगर कुछ हो या आता है। इससे पहले रन करा चुके हैं लूप, जितने सुन रहे हैं सबके लिए है। किसी को कुछ पूछना है? चलो नो सर, ठीक है ठीक है। अब इसी में कहा गया था कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो जो भी कंटेंट आप यहाँ पे और एक्स्ट्रा मेंशन कर दोगे तो वो 10 टाइम्स तक वो भी साथ में प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखो 10 टाइम्स तक प्रिंट हो गए, स्लैश एन दे दो तो एज इट इज प्रिंट होंगे, एज इट इज प्रिंट होंगे जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उस तरह से प्रिंट होकर चले आएंगे। वापस हम अपने लूप पे जाते हैं, एक और आ गया यहाँ पे, देख लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं, इसको भी रन करा देते हैं। इसमें क्या कर दिया हमने, एक वेरिएबल लिया है नम, काउंट और सम लिया गया है। नम के अंदर स्कैनर चलाया यानी कि इनपुट लिया जा रहा है, काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, काउंट लेस देन एंड इक्वल टू नम
जब तक कि नम से छोटा हो या फिर उसके इक्विवेलेंट हो, तब तक ये लूप रन करता रहे। फिर काउंट को प्लस प्लस कर दिया गया है। चाहे आप सम की काउंटिंग ऐसे लिख लो, या फिर आप कुछ इस तरह से भी सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट ऐसे भी माइन कर सकते हो। दोनों सेम चीजें, चाहे आप ऐसे लिखोगे या फिर आप ऐसे लिखोगे, दोनों का वर्किंग सेम है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे जो प्लस और इक्वल इक्वल पे थे, तो उसके बेस पे आप एज इट इज दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। तो जो भी आपको फॉलो करना है आउटपुट एक ही जैसा देगा, यानी कि सारी जितने भी काउंटिंग आ रही होगी उसको ए वन बाय वन एक दूसरे को काउंट करेगा और सम के अंदर स्टोर कर देगा। लास्ट में काउंटिंग को प्रिंट किया जा रहा है। तो लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा तो सम को प्रिंट करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे केस में आपका वेरिएबल जो है टॉप पे यानी कि मेन के अंदर डिफाइन हो, लूप के अंदर नहीं। क्योंकि लूप के अंदर होगा तो लोकल होने की वजह से इसकी वैल्यू बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर था आउटसाइड, तो इसलिए उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट की तो और इजीली प्रिंट कर जाएगा। तो इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब आपको डिपेंड करना है कि कितने का देना है सम कराना है। 10 जैसे मैंने दे दिया, एंटर कर दिया तो 55। सेम जैसे हमारा फॉर लूप था, सेम उसी तरह से हमारा व्हाइल लूप भी रन करता है। और व्हाइल लूप में थोड़ा सा जो वेरिएशन है वो ये है, व्हाइल लूप्स आर यूज इन सिचुएशन वेयर वी डू नॉट नो, फिर से बोल रहा हूँ, वेयर वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन। हमें नहीं पता होता है हम कितने नंबर ऑफ टाइम हमारा लूप रन करेगा, ऑफ लूप, ठीक है। ऐसे केसेस में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। सेम वही चीज है, लिखने का तरीका बदल दिया गया है। कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, लिखने का तरीका बदल गया है। इनिशियलाइजेशन लूप से पहले कर देते हैं, फिर व्हाइल लिखते हैं और उसके अंदर कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। बॉडी क्रिएट की जाती है और बॉडी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर जो भी आप एन नंबर ऑफ काम कर रहे होंगे वो प्रिंट होगा। तो इसका मतलब हमारा लूप इनिशियलाइज पहले होगा, फिर उसकी कंडीशन चेक की जाएगी और उसके बाद वो बॉडी के अंदर मूव करेगा। जो मैंने अभी अभी आपने देखा होगा रिटर्न यहाँ से हटा दिया था, रिटर्न हटा देंगे तो क्या होगा? रिटर्न हटाने पे क्या आएगा, क्या होगा? पहला लूप ओपन हुआ है और दूसरा लूप यहाँ पे सॉरी कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो गया है। लूप के लिए इनिशियलाइजेशन हमने कहाँ पे कर दिया है, पहले किया है। लूप के अंदर कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, बॉडी क्रिएट कर दी है और अपडेशन यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म कर दिया है, लूप को क्लोज कर दिया है। आउटपुट हमारा फिर से वही आएगा, यहाँ पे अगर आप 6 हटाओगे और 10 कर दोगे तो 10 टाइम्स आप हेलो प्रिंट हो जाएगा, 10 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? डू वाइल डू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा पूछो।
तो पता तो वाइल लूप में भी चल गया ना कि कितनी बार लूप चलेगा। अभी तो क्या हो रहा है ना, अभी हमने इतना बेसिक प्रोग्राम बताए हैं जो आपको बताया जा रहा है। अभी आपसे क्या कहा जाएगा, कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगी जिसमें कहा जाएगा आप यूजर से इनपुट करेंगे, ठीक है, यूजर से इनपुट करेंगे और उसके बेस पे रन करा रहे होंगे। तो अभी हम बताने और बहुत छोटे फॉर्मेट लूप के फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो इसलिए सामने दिख रहा है कि हमने लूप को इनिशलाइज कर दिया। ये वाली कंडीशन आगे जाके यहाँ से नहीं होगी, वो यहाँ पे कुछ ऐसे, अभी मैं बताऊंगा आगे जाके आपको यहाँ पे कंडीशन मॉडिफाई करनी पड़ेगी कि लूप तब तक चले जब तक कि वो पर्टिकुलर आप जैसे कि कह दिया गया स्ट्रिंग इनपुट कीजिए, तो स्ट्रिंग की लेंथ जब तक टर्मिनेट ना हो जाए तब तक लूप चले। तो अब ये थोड़ी पता है कि यूजर कितनी लंबी स्ट्रिंग इनपुट करेगा। फॉर लूप में जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उससे वर्क करोगे नहीं, है ना। और वैसे मैक्सिमम टाइम पे आप यही देखोगे जितने जितना काम आप फॉर लूप से कर सकते हो वो सारा काम आपका वाइल लूप से भी हो जाएगा और डू वाइल से भी हो जाएगा, क्योंकि दो सारे ही हमारे लूप हैं। बस एक कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं रेयर केस में सबसे ज्यादा जब ऐसा आए कि हमें पता ना चले कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप चलना होगा, तो कंडीशन सोची जाएगी और वो कंडीशन यहाँ पे ऐड की जाएगी और हमारा लूप परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। ये वाइवा का क्वेश्चन स्पेशली रूप से होता है, समझ में आया ना। आगे अभी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, उनमें हम फिर से बताएंगे कि जो आप पूछ रहे हो ना उनका आंसर वहां पे भी और मिलेगा। तो जब तक हम आपको एक और लूप बता देते हैं, तीन है लूप हमारे में, तीनों लूपों के बेस पर वर्क हो जाएगा। डू वाइल लूप, थोड़ा सा डू वाइल लूप हमारे अभी नॉर्मल दोनों लूपों से थोड़ा सा ज्यादा अलग है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें। द मेन डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड द वाइल लूप इज इन डू वाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड एट द एंड, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा है वो भी यहीं पे लिया है, एंड ऑफ द लूप बॉडी, सबसे लूप की लास्ट मान में होती है। और एटलीस्ट वन, आप हर कंडीशन पे एक बार, एटलीस्ट वंस द आइटरेटिव ऑफ टेस्ट कंडीशन, हर कंडीशन पे जो हमारी कंडीशंस होती है वो जरूर रिपीट करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, डू आ गया, स्टेटमेंट्स आ गए, एंड साथ ही साथ वो कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अभी हम डू वाइल लूप यहाँ लिख रहे थे, वो आ गया डाउन साइड में। अब इसमें एक और चीज देखेंगे, छोटी सी चीज है यहाँ पे सेमी कोलन, वो सेमी कोलन हर कंडीशन पे आपका लगना है, वो सिंटेक्स का पार्ट होगा। डू वाइल लूप में वाइल के ब्लास्ट में सेमी कोलन लगेगा जो सिंटेक्स का पार्ट होगा, ये आपको ऑलवेज याद रखना है, रिमेम्बर रखना है। यानी कि आपने अगर ऐसा कर दोगे कि उसमें सेमी कोलन नहीं दोगे तो फिर वो एरर दिखा रहा होगा। मेन आ गया हमारे पास, डू लूप आ गया, और वाइल, यहां से बॉडी स्टार्ट हुई है, यहां पे वाइंड अप हुई है, वाइल की कंडीशंस आ जाएंगी, और ये एक छोटा सा सेमी कोलन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो हमेशा हमारी कंडीशंस कहाँ पे टेस्ट हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से लूप हो रहा है, यहाँ से, और बॉडी भी इसकी यहीं से ही स्टार्ट हो रही। तो इतना काम, यानी कि वन टाइम हमारा लूप हर कंडीशन पे रन करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स। तो हम इसको देखते हैं, रन कराएंगे एक बार, हेलो प्रिंट हो गया। आई कहाँ है, आई को अभी ये देखो, आई के अंदर क्या है, टू, और हमने क्या कहा है, लेस देन वन। तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे अगर लेस देन वन की बात कर रहे हैं तो हमारा लूप
कंडीशन कुछ इस तरह से देखना है कि हमारा आई वन से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास है आई वन। अगर हम इसमें ये कहते हैं कि ये कंडीशन हमारी, और इसको घटाते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जीरो दे देते हैं। जीरो देने का मतलब क्या हो गया, अब हमारी कंडीशंस हो गई ट्रू, पहले थी फॉल्स, तब भी हमारा क्योंकि हमारे पास है सिंगल टाइम, तो हमारा वन है। अब इसको हम देते हैं माइनस, अच्छा अभी यहाँ पे हमने परसेंटाइल दिए क्या लिया है, देखो जैसे ही माइनस टू लिया तो अब हमारी कंडीशन 3 टाइम एक्सक्यूट हो गई, एक तो पहले हुई, उसके बाद 2 और 1 और हुई, क्योंकि लेस देन था तो और एक अपने आप एक्सक्यूट करती करती है जिसकी वजह से आई, तो यहाँ 2 आना चाहिए था और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होगा। तो हमेशा आउटपुट में याद रखिएगा, जब कई बार आप लोगों से इसके आउटपुट पूछे जाएंगे कि इसी तरह से प्रोग्राम दे देंगे और उसके बाद कहा जाएगा आउटपुट आइए, तो डू वाइल लूप जब भी देखना तो एक सेम प्रोसेस एक्स्ट्रा उसके अंदर एक्सक्यूट जरूर हो रहा होगा। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे 2 टाइम्स दिख रहा है तो आप यहाँ पे 1 है तो हर कंडीशन यहाँ दिख रहा है 2 टाइम्स रन करेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसलिए रन करेगा क्योंकि वो डू वाइल लूप है और एक ऊपर से जाके लास्ट टाइम एक और एक्सक्यूट करेगा ही करेगा, इसलिए एक 1 टाइम एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? आज और हम अगर आई आई वन रख देंगे सर तो फिर इन्फिनिटी टाइम चलेगा। आई को हम बंद कर देंगे तो 1 टाइम चलेगा, हाँ एकदम सही कह रहे हो, लेकिन डू वाइल होने इन्फिनिटी की वजह से चलेगा दो यार, बार प्रिंट करेगा। सर इन्फिनिटी चलेगा ना डुअल में। डू वाइल है ना, तो एक बार तो ये एक्स्ट्रा प्रिंट करेगा ना, लेस देन आई है। अच्छा आप केवल 1 कर रहे हो, ठीक ऐसे कह रहे हो, माइनस वन की सर जगह इन्फिनिटी चलेगा सर, क्यों 1 रख वो दिया ना? इसलिए क्योंकि आई की वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं, हाँ तो वो चेक कराएगा, प्रिंट कर देगा क्योंकि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी 1 से फॉल्स कम हो नहीं है जाएगी, आई की वैल्यू। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम इसलिए रख के देखो आई रन प्लस करके भी प्लस दिखा हो रहा रहे है ना सर। कंडीशन। देखो यहाँ पे कंडीशन ट्रू या फॉल्स, इसमें सिर्फ ये है ट्रू फॉल्स का मीनिंग आपको समझा दें, ट्रू फॉल्स का दूसरी मीनिंग होती है 0 या 1। हर कंडीशन पे इसमें से जो वाइल लूप्स है उसमें से एक ही चीज निकलेगी, या तो 0 निकलेगी या 1 निकलेगी। इन्फिनिटी के केस में भी ऐसे ही होता है कि हमने अपनी लॉजिकल कंडीशन ऐसी दे दी जिसकी वजह से वो इन्फिनिटी निकल गया, है ना, उसमें हमेशा वो ऐसी कंडीशन आ गई कि ट्रू ही ट्रू रह गई, इसलिए इन्फिनिटी हो गया, है ना, या फिर हम कुछ इस तरह से लिख के दिखें। अब वो एरर दे दिया क्योंकि वो इस तरह से समझ गया सर, टेस्ट है, इस तरह समझ से गया टेस्ट सर, समझ कंडीशन गया। लिखने को मना कर दिया, नहीं तो फिर अगर आप डायरेक्टली इस तरह से दे दोगे तो फिर ऑलवेज रन करता रहेगा। अगर कंडीशन नहीं दी डायरेक्टली आपने प्रोवाइड कर दिया तो फिर हो गया। यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि आप कंडीशन दे रहे हो, कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इन्फिनिटी के केस में भी होता यही है, इन्फिनिटी होता क्यों है, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी कंडीशन में आके फंसती है जहां पे ऑलवेज वो ट्रू हुई, तो फिर वो इन्फिनिटी में चला जाता है और रन करते रहता है। ठीक यस सर, समझ गया। अब इनके ऐसे वैसे हम जो पूछ रहे हैं हाँ या ना में, ऐसे इनका आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोग्राम यहाँ पे दिखाए हैं, प्लस मैं और भी आपको छोटे छोटे प्रोग्राम दूंगा, पहले आप स्टार्टिंग में सारे बच्चे करेंगे, जितने भी प्रोग्राम है इनको टाइप करके देखना, एरर आती है मुझसे जरूर बता देना फोन से, कल है छुट्टी जैसी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कल फोन मत करना, इवनिंग में आज कर लेना या कल छोड़ परसों नरसों जब भी कर लेना, मैं जब भी मौका मिलेगा मैं बता दूंगा व्हाट्सएप से, ऑनलाइन जैसे भी फॉर्मेट में होगा आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लूप ऐसी चीजें हैं, क्योंकि लूप आपको सबसे पहले बता दें, एटलीस्ट एक लूप, तीनों लूपों पे मेहनत मत करना कि आप तीनों लूपों पे मेहनत करो, एक से दो बार सारे लूप रन कराना, उसके बाद कोई एक लूप जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उसको पकड़ लेना,
स्पेशली रूप से फॉर और वाइल में से, डू वाइल मत करना क्योंकि डू वाइल में एक एक्स्ट्रा आउटपुट आता है। फॉर या वाइल में से कोई एक लूप पकड़ लेना और उस पर ऑलवेज वर्क करिएगा, ताकि आपको एक लूप की इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले। और मुझे अभी अगर एक्स्ट्रा लेक्चर और मिलेंगे तो लूप इतना ही नहीं है, फॉरी लूप को ले लूँ तो अभी बताने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 लेक्चर और चाहिए खाली लूप फॉर लूप पे। तो अभी मैंने तो इतना बता दिया कि तीनों लूप होते कैसे हैं, कैसे रन करते हैं, और एक बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। तो अब आपका समझो एग्जाम्पल हो ये सारे कंटेंट सॉरी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से आपने अच्छे से वर्किंग करिएगा, पढ़िएगा और प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। बिना प्रैक्टिकल के ना आपको समझ में आएगा और ना मैं फिर समझा पाऊंगा। जहां जहां आप फंसो वहां पे मुझे फोन कर लो, इन्फॉर्म कर दो किसी ना किसी तरह से, जिससे जब भी मुझे टाइम मिलेगा या मैं टाइम मिल जाएगा तो मीटिंग कर लूंगा, ज्यादा बच्चे होंगे एक साथ ही एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है यस सर।